आज सोनिया अख्तर जो बांग्लादेशी नागरिक है भारत में आई हुई अपने एक साल चार महीने के बच्चे को लेकर इसका केस ऑनरेबल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बांग्लादेश हाई कमिश्नर से होता हुआ हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछताछ हुई। 16 तारीख को लखनऊ बुलाया भी गया था सौरभ को और उसके बाद जो ग्रेटर नोएडा की टीम है वहाँ भी जाँच पड़ताल होने के बाद हमें यहाँ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग बुलाया गया और सोनिया अख्तर के केस को राष्ट्रीय महिला आयोग में रजिस्टर्ड कर लिया गया। अर्जेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट के आधार पर ये पिटीशन नंबर केस रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया, ये रजिस्टर्ड हो गया है। इसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट लीजिबल कॉपी सारी शादी के विवाह के निकाह के मैरिज रजिस्ट्रेशन निकाहनामा शादी फोटोग्राफ पासपोर्ट वीजा सब कुछ लगा दिया है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट इसका स्टेटमेंट भी दे दिया है सोनिया अख्तर का वाइफ ऑफ सौरभ और ये पूरी तरह से सारी प्रोसीडिंग हो गई है। अब इसमें इसलिए इसके साथ अन्याय नहीं होगा कि ये मुस्लिम है, ऐसा नहीं होगा। हमारे देश में नेशनल महिला कमीशन है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन महिला हेल्प डेस्क है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय की बात कहते हैं करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन केवल कागजों में नहीं है व्यवहार में भी है और सोनिया अख्तर को अब हमें पूरा विश्वास है, सोनिया अख्तर को भी पूरा विश्वास है भारत सरकार के नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से न्याय मिलेगा और जल्दी न्याय उसके बच्चे को भी मिलेगा।